जब कभी जंगल के सबसे बड़े शिकारी की बात आती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, शेर का। हालांकि यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और यह इतना खतरनाक है कि किसी भी शिकार को एक ही पल में मार गिराने का दम रखता है। लेकिन कम ही लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं। जंगल में एक ऐसा भी शिकारी है जो इसे भी मात दे सकता है और उसका नाम है टाइगर। जी हाँ दोस्तों, टाइगर ऐसा शिकारी है जिसके सामने शेर भी पानी कम नजर आता है। आज के इस वीडियो में हम आपको टाइगर के कुछ ऐसे ही हमले दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अगर जंगल में कोई सबसे बड़ा शैतान है तो वह टाइगर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जहां एक खतरनाक टाइगर जंगल में बैठा हुआ अपने पंजों को चाट रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपने पंजों को आने वाले हमले के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जैसे ही उसे कोई शिकार नजर आए उसे अपने पंजों में दबाकर वह मार डाले। टाइगर के बारे में एक कहावत यह भी है कि जब जब टाइगर अपने पंजों को चाटता है मतलब वह शिकार पर निकलने वाला है, और यह कहावत काफी हद तक सच भी होती है, क्योंकि यहीं उसे जंगल में हिरण का बड़ा झुंड नजर आ जाता है। लेकिन हिरणों को इसका कोई अंदाजा भी नहीं कि एक खतरनाक शिकारी की नज़र उन पर पहले से ही पड़ चुकी है। वे तो बस अपने खाने को चबाने में लगे हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइगर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ शिकार की तरफ जाने लगता है। उसके कदमों की आवाज़ इतनी कम है कि हिरणों तक भी उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। अब टाइगर जैसे ही एक सही वक्त देखता है तो हिरणों पर हमला बोल देता है। उसका हमला इतना डराने वाला है कि हिरण जैसे ही उसे देखते हैं वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो बाकी के सभी हिरण बच निकलते हैं, लेकिन बेचारा एक बच्चा टाइगर की चपेट से खुद को नहीं बचा पाता। टाइगर तुरंत ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है और अपने जबड़े में उसे पकड़कर फिर से अपने घर की ओर लौट जाता है। इधर बेचारे सभी हिरण अपने साथी को जाते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी टाइगर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस वीडियो को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि टाइगर कितना बेरहम शिकारी है। यह छोटे जानवरों पर तो हमला करता ही है, लेकिन कभी कभी इसका हमला जंगल के ऐसे खतरनाक जानवरों पर भी होता है जिनके बारे में आप और हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइगर अपने शिकार की फिराक में जंगल में बैठा हुआ है। इसके साथ ही कुछ और टाइगर भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। तभी ये देखते हैं कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक भालू कहीं जा रहा है। भालू को देखते ही ये सभी चौकन्ना हो जाते हैं और तुरंत ही उठकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो भालू भी किसी बड़े शिकारी से कम नहीं है, लेकिन उसे यह बात पता है कि अगर टाइगर से लड़े तो उसकी मौत तक तय है। अब भालू को जैसे ही इस बात का अंदाजा होता है कि उसके पीछे एक मुसीबत आ रही है, वह तुरंत ही वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। भालू अपनी जान की सलामती के लिए काफी दौड़ता है, लेकिन टाइगर के सामने उसकी एक नहीं चलती और वह थोड़ी ही देर में इन टाइगरों के चंगुल में फंस जाता है। सभी टाइगर मिलकर उस भालू को नीचे पटक देते हैं और उस पर अपने निकले दांत गड़ाना शुरू कर देते हैं। टाइगर के खतरनाक हमले तो हमने देखे ही हैं। यह वो शिकारी है जो बड़े से बड़े जानवर को भी धूल चटाने की ताकत रखता है। जंगल में जब कोई टाइगर शेर के लिए निकलता है तो बड़े से बड़े जानवर भी इसके सामने से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि टाइगर चाहे तो उन्हें मौत की नींद सुला सकता है। ऐसे में आप सोचिए कि जो हैवान बड़े से बड़े जानवरों को मारने की ताकत रखता हो वह भला बच्चों को कैसे छोड़ सकता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहाँ जंगल में एक एंटीलोप भटक रहा है। इस बेचारे को अभी ढंग से दुनिया का कोई अनुमान भी नहीं है कि दुनिया में क्या इसके लिए अच्छा है और क्या बुरा। वह तो अपनी मस्ती में मस्त घूम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक कूखा टाइगर पहले से ही इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है और एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही टाइगर हमला करने के लिए एक सही मौका देखता है तो अपनी पूरी ताकत से उस एंटीलोप पर टूट पड़ता है। उसका हमला इतना खतरनाक है कि बेचारे एंटीलोप को तो यह समझने का मौका भी नहीं मिलता कि वहाँ क्या हो रहा है, और वह टाइगर के जबड़े में पहुँच जाता है। एंटीलोप खुद को बचाने की एक असफल कोशिश जरूर करता है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि टाइगर जैसे शिकारी के चंगुल से बचकर निकलना जरा भी आसान नहीं। इधर टाइगर अपने शिकार को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। जब तक वह एंटीलोप की जान नहीं निकल जाती तब तक वह उसे नहीं छोड़ता। आखिरकार बेचारे एंटीलोप की जान चली जाती है और उसके मरते ही टाइगर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, अभी हमने टाइगर का एक ऐसा हमला देखा जो एक बच्चे पर था। वैसे टाइगर के लिए एक एंटीलोप के बच्चे को मार गिराना बहुत आसान था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टाइगर बड़े जानवरों पर हमला नहीं करता, क्योंकि इसे तो मतलब है बस अपने खाने से, फिर चाहे वह कोई जंगली बच्चा हो या कोई जंगली जानवर ही क्यों ना हो। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक टाइगर जंगल में शिकार के लिए भटक रहा है, लेकिन तभी उसके कदम अचानक चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है एक गौर पर। अब टाइगर धीरे धीरे उसकी तरफ दबे पांव से बढ़ने लगता है, लेकिन जल्द ही गौर को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि एक तबाही उसकी तरफ बढ़ रही है, और वह तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है।
वैसे आपको बता दें कि गोर भी कोई कमजोर जानवर नहीं है और वह चाहे तो किसी भी शिकारी जानवर को मात दे सकता है, लेकिन यहाँ बात जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी के साथ लड़ने की है, इसलिए गोर भी लड़ने की बजाय वहाँ से भागना ही सही समझता है। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो टाइगर उस पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। टाइगर का हमला इतना खतरनाक है कि वह एक ही पल में गोर के शरीर पर अपने दांतों को गड़ा देता है। गोर टाइगर के हमले से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार टाइगर अपना पूरा दम लगाता है और गोर को नीचे गिरा देता है। यहाँ हम जंगल में देख रहे हैं कि एक टाइगर शिकार के लिए निकला है और अपनी नजरों को चारों दिशाओं में दौड़ा रहा है, लेकिन अचानक ही उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी नजर एक वार्थोग पर पड़ चुकी है। वह पहले एक जगह खड़ा होकर अपने शिकार को एकटक देखता रहता है और फिर बहुत ही धीरे धीरे अपने कदमों को उस वार्थोग की तरफ बढ़ाने लगता है। उसके धीमे कदमों की आवाज वार्थोग के कानों तक भी नहीं पहुंचवाती और टाइगर कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। इसके पहले आपको वार्थोग के बारे में थोड़ी जानकारी देने की, यह एक तेज तर्रार जानवर है और अक्सर ही शिकारी से बचकर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके सामने जो शिकारी है वह कोई आम जानवर तो है नहीं। यहाँ टाइगर अपनी पूरी ताकत और तेजी के साथ वार्थोग पर एक दमदार हमला बोल देता है। उधर वार्थोग भी हमले से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती, क्योंकि वह जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ता है टाइगर उस पर टूट पड़ता है और एक ही वार में वार्थोग की गर्दन को अपने जबड़े में बांध लेता है। इधर टाइगर अगले ही पल वार्थोग को नीचे गिरा देता है। बेचारे वार्थोग के कई साथी वहां खड़े हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत टाइगर से पंगा लेने की नहीं हो रही, क्योंकि वे सब जानते हैं कि अगर टाइगर से पंगा लिया तो उनकी भी जान चली जाएगी। इधर कुछ ही देर में बेचारा वार्थोग अपनी जान गंवाकर टाइगर का शिकार बन जाता है। टाइगर के इतने सारे हमले देखकर एक बात तो साफ कही जा सकती है कि यह शैतान किसी से भी नहीं डरता। छोटे से लेकर बड़े तक हर जानवर इससे खौफ खाते हैं, क्योंकि इसका अटैक करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि यह जब भी किसी के सामने जाता है तो सामने वाला अपने आप ही डर जाता है। वैसे यह इतने बड़ा शैतान है कि जिसे चाहे उसे मौत के घाट उतार दे, लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने हाथी तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जंगल में एक हाथी अपनी पीठ पर महावत को बिठाए कहीं जा रहा है, लेकिन तभी पास के खेत से टाइगर निकलकर सीधा उसके सामने आ जाता है। वह हाथी की तरफ कुछ ऐसे बढ़ता है कि वह हाथी को भी बजा चखा देगा, लेकिन हाथी भी किसी से कम नहीं। टाइगर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है तो हाथी भी उसे टक्कर देने के लिए उसके सामने हो जाता है। हालांकि इस हमले में की जीत किसी की नहीं होती, लेकिन टाइगर की हिम्मत की दाद देना जरूर बनता है, क्योंकि जो जानवर हाथी जैसे खतरनाक जानवर से टकराने की हिम्मत रखता हो उसके बारे में तो राय बनाना ही गलत है। वैसे दोस्तों, आपको इन सब हमलों में से टाइगर का कौन सा हमला सबसे शानदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।